हाँ जी। बाबा अल्प को मिला अल्लाह, देखो मिला बादशाह, पीबीकेस को मिला शिव बाबा, बीकेस को मिला ब्रह्मा बाबा। ठीक है, तो क्लियर क्या करना है? बीकेस को शिव बाबा नहीं मिलता है? बीकेस को शिव बाबा नहीं मिलता, ब्रह्मा मिला ना। ब्रह्मा को शिव बाबा मिला है? मिला? ब्रह्मा को ही शिव बाबा नहीं मिला तो उनके फॉलोअर्स को कहां से मिल जाएगा? हाँ, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं, पूरा 5000 साल साकार में ही पार हो जाने वाले हैं। तो ये कब तक सही रहेगा कि हम कहें हमारा घर परम धाम? नंबर वार है, पहला जन्म सतयुग का जो भी है, सवा सौ, 150, 125 वर्ष का, उस टाइम में वो आत्माएं परमधाम से टाइम टू टाइम आती रहेंगी। सबका टाइम अपना अपना अलग अलग है, राधा कृष्ण और उनको जन्म देने वाले माँ बाप पहले आएंगे, इसी तरह 4.5 लाख और उनमें वर्तमान में प्रवेश करने वाली जो आत्माएं हैं उनका नंबर वार पार्ट नुदा हुआ है परमधाम में रहने और रंगमंच पर वापस आने का, एक जैसा टाइम सभी का नहीं है, लेकिन इतना निश्चित है कि जो असल सूर्यवंशी बच्चे हैं वो पहले जन्म में जरूर उतरेंगे। हाँ, ज्यादा समय वो तो यहाँ पे साकार में रहेंगे, तो घर तो यही होगा। साकार में रहने के बावजूद भी निराकारी स्टेज में तो नंबर वार हैं, तो जो ज्यादा निराकारी स्टेज में रहता है उसको निराकारी दुनिया में कम समय रहना पड़ेगा, और कम निराकारी स्टेज में रहते हैं तो निराकारी दुनिया में ज्यादा रहना पड़ेगा। 5000 वर्ष में उतना ही टाइम उनका कम हो जाएगा। और द्वापर युग में अकाल मूर्ति होते हैं? अकाल मूर्ति होता है, अकाल मूर्ति, अकाल मृत्यु, अकाल मृत्यु अर्थात काल खाता है, स्वेच्छा से मृत्यु नहीं होती है, उसको अकाल मृत्यु कहते हैं। और अकाल मृत्यु भूत प्रेतात्माओं की होती है या ज्ञानी तो आत्माओं की होती है? जो ज्यादा पाप कर्म करते हैं उनकी अकाल मृत्यु होती है। तो पाप कर्म करना कौन सी युग से शुरू होता है? द्वापर युग से ही शुरू होता है। उसमें भी
कोई कम पाप करने वाले हैं, कोई ज्यादा पाप करने वाले हैं। पापों का गढ़ा ज्यादा न भर जाए इसलिए अकाल मौत होती है। जो लड़ाई लड़ते अपने शरीर छोड़ते हैं द्वापर युग के बाद में, तो उनका अकाल मौत कहा जाएगा? जो लड़ाई लड़ने वाले हैं, स्थूल लड़ाई, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए स्थूल युद्ध करते हैं, उनकी बुद्धि में रहता है कि हम अपने भारत देश की रक्षा कर रहे हैं। तो लक्ष्य क्या है, भावना क्या है, भाव श्रेष्ठ है या नीचा है? तो श्रेष्ठ भाव होते हुए जिनकी अचानक मौत हो जाती है उनके लिए ये शास्त्रों में भी गायन है, भाव प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। उन्होंने जो शरीर छोड़ा अचानक, वो कोई को दुख देने के लिए नहीं छोड़ा, पाप कर्म करने के लिए नहीं छोड़ा, युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते शरीर छोड़ा है, तो विधर्मियों विकर्मियों विदेशियों से युद्ध करते करते शरीर छोड़ा है, भगवान का कर्म क्या है? गीता में भगवान का कर्म क्या बताया है? युद्ध के लिए प्रेरित नहीं है, धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। जो श्रेष्ठ हैं उनकी रक्षा करना, और जो भ्रष्ट हैं उनका विनाश करना। तो बाप को जो फॉलो करने वाले हैं वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ कर्म करने वाली हैं या नीच कर्म करने वाली हैं? फर्क सिर्फ इतना है द्वापर युग में और संगम में कि द्वापर में जो युद्ध किए हैं वो हिंसक युद्ध किए हैं, और संगम युग में हम अहिंसक माया से युद्ध करते करते अगर शरीर छोड़ते हैं। यहां शरीर छोड़ने का मतलब ही भी बेहद का है। शरीर छोड़ना माना है हाँ अनिश्चय बुद्धि हो जाना। तो जो भी अभी अनिश्चय बुद्धि होते हैं माया से युद्ध करते करते, उनकी अकाली मौत तो होती है बेहद की, लेकिन वो फिर ज्ञान में आ जाएंगे। और कृष्णवाली आत्मा सदा निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता है। उधर भी कोई बोल रहा है हाँ राजेश्वर अश्वमेध ज्ञान। अरे बेसिक नॉलेज ही भूल गए क्या है? कब से एडवांस में आए है? एक साल हुआ। अरे जल्दी जल्दी दौड़ो है। कोई भी पुराने भाई बहनों से पूछ लेना, बाबा ने भी मुरलियों में कई बार बताया अविनाशी कैसा है। अविनाशी यज्ञ है, इसका विनाश नहीं होता।
जब विनाश हो जाएगा संसार का, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी, तो यज्ञ चलता रहेगा क्या? अविनाशी क्यों कह दिया है? अविनाशी इसलिए कह दिया कि इसमें स्वाहा करते हैं मुख्य चीज, और वो स्वाहा करने का कार्य पूरे कल्प में कोई न कोई आत्माओं के द्वारा चलता रहता है। क्या स्वाहा करते हैं मुख्य चीज? देहभान। देहभान स्वाहा करते हैं, अर्थात अपन को आत्मा समझना, ये देहभान को स्वाहा करना है, तपस्या करना है। और सत्युग शुरू होगा तो आत्माएं आत्मिक स्थिति में रहेंगी या नहीं रहेंगी? है बल विनाश हो जाएगा पुरानी दुनिया का, तो यज्ञ चालू रहेगा या नहीं रहेगा? चालू रहेगा। त्रेता में भी चालू रहेगा, द्वापर में भी इस्लाम धर्म की आत्माएं देहभान में आ जाएंगी और धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन जो देवी देवता सनातन धर्म के मुख्य हैं, वो कन्वर्ट होंगे क्या? आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे? तो उस समय भी यह आत्मिक स्थिति का यज्ञ चालू रहता है। कम से कम एक युगल जोड़ी तो जरूर है जो अंतिम जन्म की अंतिम घड़ियों तक भी आत्मिक स्थिति में रहती है, आत्माभिमान को नहीं छोड़ती। वो कौन है? सृष्टि के आदि में मुख्य पार्टधारी कौन है? नई सृष्टि के आदि में है लक्ष्मी नारायण अर्थात विष्णु। आदि में भी सात्विक स्टेज, जो आदि में सो अंतिम। तो जो अंत में भी सात्विक स्टेज में है वो यज्ञ का रक्षक है। उसका शास्त्रों में भी नाम दिया है प्रजापति, और बाबा ने भी नाम दिया है प्रजापिता। ये यज्ञ कार्य सारी सृष्टि में चलता रहता है, इसलिए अविनाशी है। और क्या बताया? अविनाशी अश्वमेध है। अश्व माने है घोड़ा। कौन सा घोड़ा? मन रूपी घोड़ा। जब हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं, बिंदु रूप में टिक जाते हैं, दो मिनट ही सही, एक मिनट ही सही, तो वो एक मिनट दो मिनट या चार मिनट या जिसकी जितनी शक्ति है एकाग्रता की, वो शक्ति क्या साबित करती है?
ये साबित करती है कि मन को स्वाहा किया, मन रूपी घोड़े को खलास किया। परमधाम में मन रहेगा नहीं रहेगा? परमधाम तो है ही वो, जहां अमन चैन सदैव कायम रहता है। तो अश्वमेध नाम दिया है, राजस्व। इससे क्या होता है? मन को हवन करने से रिजल्ट क्या निकलता है? 10 इंद्रियों का राजा है मन, और मन को कंट्रोल कर लिया। अगर राजा को ही बस में कर लिया तो राजाई मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो स्व की राजाई प्राप्त हो जाती है। इसलिए नाम दिया है राजस्व अश्वमेध। अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। किसका ज्ञान यज्ञ? रुद्र का ज्ञान यज्ञ। रुद्र माने जो ऐसा रौद्र रूप धारण करता है कि आत्मिक स्थिति में रहते हुए भी सारे संसार का विनाश करने का निमित्त बन जाता है। और उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। इसलिए नाम रखा गया है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र किसका नाम है? शिव ज्ञान यज्ञ नहीं कहते हैं, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? रुद्र ज्ञान यज्ञ। तो रुद्र में और शिव में कोई अंतर है या नहीं है? क्या अंतर है? क्यों शिव कल्याणकारी नहीं है, रुद्र कल्याणकारी नहीं है? है विनाश कल्याणकारी नहीं है, कल्याणकारी है। लेकिन अंतर ये है, रुद्र है साकार और शिव है निराकार। ज्योति बिंदु का नाम, वो निराकार ज्योति बिंदु जब तक साकार रूप धारण न करे तब तक ज्ञान का लेन देन हो नहीं सकता। इसलिए इस यज्ञ का नाम रुद्र ज्ञान यज्ञ रखा गया। और बाबा बोलते राम माना बुद्धि में, हरेक का आत्मा की बुद्धि में रमण करने वाला, कृष्ण माना आकर्षण करने वाला, तो दोनों में फर्क क्या है? आकर्षण तो कर लिया, किसने आकर्षण किया? हैं? कृष्ण ने आकर्षण किया। लेकिन जिसका नाम कृष्ण रखा गया है भक्ति मार्ग में, वो वास्तव में कृष्ण वाली आत्मा है या परमपिता परमात्मा है? ये अंतर है। कृष्ण आकर्षण करने वाला नहीं है। गोपियों को भगाने वाला कौन है? हैं? शिव है। और बुद्धि में रमण करना माना याद करना, रमण करना माना खेल खेलते रहना। खेल में मजा आता है ना, खेल में थकान होती है या आनंद आता है? आनंद आता है। और
एक महीना धनुर्मास में मुझे ज्यादा होती है, ज्यादा से ज्यादा सवेरे सवेरे 12 महीना एक महीना धनुर्मास में कौन से मास में? चतुर्मास। चतुर्मास में है? ज्यादा होता है ऐसा माने श्रावण मास में ना? चतुर्मास जिसे कहते हैं वो बरसात के मौसम के चार महीने को चातुर्मास कहा जाता है। उन चातुर्मास में भी जो श्रावण का महीना है उसमें शिव की ज्यादा पूजा होती है, क्योंकि जो श्रावण का महीना है वो ज्ञान की रिमझिम का महीना यादगार है। किस समय की यादगार? संगम युग की यादगार है। तो संगम युग में ज्ञान की जो रिमझिम करने वाला है उसकी बहुत पूजा होती है। पूजा का आधार है प्योरिटी। और मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी कीड़े मकोड़े और शिव की आत्मा जब साकार में आती है मुकर्रर रथ में तो दुनिया की सभी आत्माओं के मुकाबले संग के रंग में आते हुए भी इंद्रियों के संसर्ग संपर्क संबंध में आते हुए भी पवित्र रहती है या लेप छेप लगता है? हैं? पवित्र रहती है। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है और आत्माएं या खास मनुष्य आत्माएं चाहे वो पवित्र रहने वाले जन्म जन्मांतर के सन्यासी ही क्यों न हो, जब इंद्रियों के संसर्ग संपर्क संबंध में आते हैं तो ईश्वरीय ज्ञान भूल जाता है, भले ज्ञान में भी चल रहे हैं लेकिन वो शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको ज्ञान भूल जाता है? है? नहीं भूलता। इसलिए परम पवित्र पूजनीय कहा जाता है और आत्माएं परम पवित्र नहीं है, एवर पूज्य नहीं है, एक शिव ही है जो स्वयं भी परम पूज्य है और जिसमें प्रवेश करता है उसे भी आप समान बनाता है, उसका नाम भी शिव के साथ जोड़ दिया जाता है कि 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से और कोई आत्मा है जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है? एक ही आत्मा है और पूज्य, तब ही साबित होगा जब साकार में हो। निराकार है तो गुणी है या अगुणी है उसको तो अगुण कहेंगे, कोई गुण नहीं दिया जा सकता उसे।
इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहा है सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। वो निराकार भी साकार में प्रवेश करके निर्गुण रूप धारण कर लेता है, तब ही संसार में प्रत्यक्षता होती है परमपिता परमात्मा की। जो देखे जो सुने उसके मुंह से यही निकले कि मेरा बाप आ गया। और बाबा वो जो बात धनुर्मास की बात चातुर्मास, चातुर्मास में जैनी लोग जो हैं, नहीं नहीं चातुर्मास की नहीं धनुर्मास की बात, धनुर्मास में वही जो कोई धनु धनु कहते हैं ज्ञान का धनुष, पुरुषार्थ का धनुष। तो जब भगवान आएगा तभी विशेष पुरुषार्थ होता है या और महीने में पुरुषार्थ होता है? ज्ञान की रिमझिम जब होती रहती है तब ही असली पुरुषार्थ होता है। तो ये सारा ही संगम युग ज्ञान की रिमझिम का है। इसमें हर आत्मा चाहे तो जन्म जन्मांतर का अपना भाग्य बना सकती है। इसलिए ये पुरुषार्थ का धनुर्मास है। और ये आगे वालों के पास आवाज ही नहीं आ रही। हमें कोई उल्टा से काम नहीं करना चाहिए, उल्टे हाथ से हमें कोई काम नहीं करना। हाँ, बाएं हाथ से अच्छे काम नहीं करना कर किए जाते हैं और दाएं हाथ से दान धर्म का काम किया जाता है। इसका कारण क्या है? हैं? इसका कारण है कि शिव बाप आते हैं तो बच्चों को सिखाते हैं कि कर्मों में किसको फॉलो करना है, दायां हाथ है या बायां हाथ है शिव का? हैं? दायां हाथ है और शंकर बायां हाथ है। ज्ञान तो बड़ा अच्छा अच्छा सुनाता है लेकिन कर्म खास करके जो वैष्णव पंथी है उनको वो कर्म बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। तो कर्मों में ब्रह्मा को फॉलो करना है, दाएं हाथ को फॉलो करना है और आर्डर आज्ञा शिव बाबा की मानना है। किसके द्वारा? ब्रह्मा के द्वारा आर्डर देते हैं? हैं? नहीं, शिव आर्डर देते ही हैं शंकर द्वारा। रूहानी सेना का मार्शल कौन है? शंकर है। तो ये जो भी ब्राह्मण संप्रदाय है वो सब रूहानी मिलिट्री है या देवान वाली है? रूहानी मिलिट्री है। उस मिलिट्री को किसको फॉलो करना है? हैं? ब्रह्मा को फॉलो नहीं करना है। आज्ञाओं में शिव शंकर भोलेनाथ को फॉलो करना है। इसलिए दुनिया में ये प्रचलन है खास करके भारतवर्ष में। क्या? कर्म किससे करना है? दाएं हाथ से। और अच्छे कर्म या बुरे कर्म? अच्छे कर्म करना है तो दाएं हाथ से करना है। दान धर्म किस हाथ से किया जाता है? हैं? दाएं हाथ से ही करते हैं। भक्ति मार्ग में जानते नहीं है फिर भी करते तो हैं, बाएं हाथ से नहीं करते। बाएं हाथ से क्या करते हैं? हैं? औटट्टी पेशाब साफ करने का काम बाएं हाथ से करते हैं, दाएं हाथ से करते हैं? नहीं करते। इससे क्या साबित हुआ? हैं? हाँ। और पराशर मुनि और सुगंधिनी माता वन में वेद व्यास पैदा हुए, वे हमें इन तीन वन कौन है?
पराशर मुनि और सुगंधिनी माता ओन में वेद व्यास पैदा हुए बेहद में इन तीन ओन कौन है? क्या पूछ रहे? पाराशर मुनि, पाराशर मुनि सुगंधी नाम बता रहे हैं, योजन करके व्यास मुनि कौन है? बी माने विशेष, आस माने बैठ गया, विशेष रूप से बैठ गया। दुनिया की और जो आत्माएं हैं उनके मुकाबले विमाने विपरीत भी होता है, विपरीत रूप में बैठ गया। क्या करने के लिए? ज्ञान देने के लिए। तो भक्ति मार्ग में जो भी कथा वार्ता करते हैं उनको कहां बैठाया जाता है? गद्दी का नाम क्या देते हैं? व्यास गद्दी। तो ये व्यास नाम रखा है, लेकिन ये व्यास खुद अपनी इच्छा से बैठता है या उसमें कोई सोल प्रवेश होती है जिससे कार्य करता है? वो कौन है? शिव की सोल है, पार ब्रह्म परमेश्वर की सोल है। इसलिए नाम क्या दिया है? पिता का नाम क्या दिया है? हैं? अरे अभी तो बोला व्यास किसी का बच्चा था ना, किसने पैदा किया? पाराशर ने पैदा किया। हाँ जी। और बाबा एक तो माता जी का क्वेश्चन है बाबा, 7 इयर्स और 16 इयर्स शनि छोड़ेंगे नहीं, इसका मतलब क्या है? शनिश्वर छोड़ेंगे नहीं, आठ चौदह साल शनि छोड़ते रहे, इसका मतलब क्या है? शनि के दो शिष्य हैं विशेष, एक ढैया और एक साढ़साती। एक पकड़ता है तो 2.5 साल नहीं छोड़ता है और दूसरा पकड़ता है तो 7.5 साल तक परेशान करता है। इसलिए भक्ति मार्ग में उनका नाम रखा हुआ है। और बाबा सच्ची गीता में एक पॉइंट है, सच्ची गीता के पॉइंट है, बुढ़ियों को समझा कर ऐसा तैयार करो कि जो बाबा बोले कि 8 बुढ़ियों को भेजो तो जेट आ जावे। हाँ। उसके बारे उनको डायरेक्शन मिले कि आ जाओ तो सब काम धाम छोड़ करके फटाक से ईश्वरीय सेवा में बाप के सामने उपस्थित हो जाए। ऐसी 8 बुढ़िया बाबा को चाहिए। बुढ़िया माने बेहद में या हद में? बेहद में। बेहद माने है हद की उम्र से, हद की आयु से, हद की एज से या बेहद की एज से? बेहद की एज माने उनकी एज कितनी हो? उनकी आत्मा की एज इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कार्य करने की 5000 वर्ष एज होनी चाहिए। तो कौन है वो बुढ़िया? है अष्टदेव। ऐसे चाहिए रूहानी मिलिट्री के वॉरियर्स। कैसे? कि उनको ऑर्डर मिले सब छोड़ छाड़ के हाजिर हो जाए। और हिंदू बना के 16 सोमवार पूजा बनाते हैं, वो हिंदू बना के और पार्लियामेंट जाते हैं, क्या वो 16 सोमवार पूजा करते हैं? हाँ। वो पूजा वो पालो भी किया ऐसे
और लिंक बना के सोलह आठ दूनी कितने होते हैं? है सोलह, आठ कौन? आठ अष्टदेव है, और उनकी सहयोगिनी शक्तियां होंगी या नहीं होंगी, तो कितने हुए? और सोलह आत्मिक स्टेज में रहने वाले होंगे या नहीं होंगे? है आत्मिक स्टेज में रहने वाले हैं, उनको बनाने वाला कोई तो होगा, है होगा या नहीं होगा? अव्यक्त वाणी में क्या बोला है? इन आठ ने क्या किया यज्ञ के आदि में? दीदी दादियों की श्रृंगार किया। तो अभी आदि में हुआ तो अंत में भी ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। और ब्रह्मा बाबा का पार्ट अव्यक्त पार्ट गुलजार दादी द्वारा चल रहा है, है? अरे उनका यादगार है चंद्रमा, चंद्रमा पूर्णमासी जब होती है तो जब तक सूर्य न निकले तब तक चंद्रमा अस्त हो जाएगा, है? एक तरफ सूर्य उदय होता है प्रत्यक्ष होता है और दूसरी तरफ चंद्रमा अस्त हो जाता है। तो यहां तो बेहद का सूर्य है और बेहद का ज्ञान चंद्रमा है। बार बार लोगों को प्रश्न उठता है, खास करके एडवांस पार्टी वालों को, ये ब्रह्मा बाबा आकर के क्या करता है, बार बार आता रहता है। तो ड्रामा में नूंद है, इतने जो बेसिक में चलने वाले फॉलोअर्स हैं उनका हाल खराब हो जाएगा या अच्छा हो जाएगा अगर अभी गुप्त हो जाए? है हालत खराब हो जाएगी। इसलिए जब तक ज्ञान सूर्य उदय न हो संसार में तब तक ज्ञान चंद्रमा का पार्ट समाप्त नहीं हो सकता। और बाबा कृष्ण वाले आत्मा सदा निश्चय अनिश्चय में आता है, इसलिए वो रोज भट्टी करना पड़ता है। भट्टी करना पड़ता है, भट्टी भट्टी करना पड़ता है। इधर काम में आने तो वो तो भक्ति मार्ग में कहा है, जहाँ राम कथा होती है वहाँ कौन उपस्थित रहता है? वहाँ हनुमान उपस्थित रहता ही रहता है, कोई और उपस्थित हो या न हो, लेकिन हनुमान वाली आत्मा का ये खास पार्ट है कि जब तक पूंछ खलास नहीं होगी। पूंछ कौन सी होती है? विकारों की, देह अभिमान की। वो पूंछ जब तक खलास नहीं होगी तब तक जहां जहां शिव बाबा की कथा हो रही होगी वहां वहां जब वो जाकर के उपस्थित हो जाता है। प्रजापिता को 76 में 100 साल पूर्ण हुआ, प्रजापिता को 76 में 100 साल पूर्ण हुआ, सब उनका पूर्ण निश्चय हो गया, लेकिन ब्रह्मा को 87-88 में 100 साल पूर्ण होने तो भी उनको पूर्ण निश्चय क्यों नहीं? वो चंद्रमा है या सूर्य? उसका नाम क्या है? अरे वो कौन है? है अरे उसका पार्ट क्या है, काम क्या है? चंद्रमा का काम क्या है? बढ़ना और घटना, उनका पार्ट ही ये नुदा हुआ है। सूर्य का ये पार्ट नहीं है बढ़ना और घटना, कभी कम प्रकाश और कभी ज्यादा प्रकाश, कभी बहुत नशे में आ जाते हैं, है इतने नशे में आ जाते हैं
कि गुलजार दादी हॉस्पिटल में पड़ी हुई होती हैं लंबे टाइम से, अनाउंसमेंट हो जाता है, होता है कि नहीं, कि अव्यक्त बाप दादा आने वाले हैं, और सो अनाउंसमेंट की भी परवाह करते हैं? है? है? नहीं करते हैं। कोई कारण होगा या नहीं होगा? है? हाँ, वो कारण होता है कि एडवांस में जो रथ है वो रथ है काल के गाल में समाने वाला होता है। हनुमान को उसे बचाना है या नहीं बचाना है? है? कभी निश्चय बैठता होगा या नहीं बैठता होगा कि ये राम की आत्मा है? जब निश्चय बैठेगा राम की आत्मा है तो कृष्ण की आत्मा क्या सोचेगी, मेरा क्या पार्ट है? है? हनुमान का पार्ट है। हनुमान का काम है उनकी सेवा करना। तो गुलजार दादी की परवाह नहीं करते, किसकी परवाह करते हैं? हैं? राम वाली आत्मा की परवाह करते हैं। यहां सभी डॉक्टर हताश हो जाते हैं कि सब प्रकार के प्रयत्न कर लिए, स्थिति अच्छी नहीं हो रही है, आखिरी वो पार्ट कौन सा है? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अकाल मूर्त है, कैसी मूर्त? जिसको काल खा नहीं सकता। अगर काल आए ही नहीं, काल आया साबित ही नहीं हुआ, तो अकाल मूर्त कहा जाएगा? है? बेसिक में कितनी दीदी दादियां दादा हैं और बाप दादा, कितने काल के गाल में जाने के लिए हॉस्पिटलाइज हुए, कोई बचा है? नहीं बचा। परंतु ये तो पार्ट ही निराला है। और ब्रह्मा की बीके और बीके दोनों तरफ को पार्ट बजा रहा है। जब निश्चय बुद्धि है वो शक्ति मामा का पार्ट है। निश्चय बुद्धि है तो एडवांस में पार्ट बजाएगा, अनिश्चय बुद्धि है, है? तो वही दैया छिनरिया जैसी लौकिक में चलने वाले, अलौकिक में ज्ञान में चलने वाले, बहुत नशा बढ़ता है तो लौकिक कार्यों की परवाह नहीं करते, कौन सा कार्य करते हैं? अलौकिक एडवांस की सेवा का कार्य करते हैं कि छोड़ देते हैं? है? करते हैं ऐसे, वो भी आत्मा है। और संगम युग में राम का दो जन्म होता ना है? संगम युग में राम का दो जन्म होता है। संगम युग में राम का दो जन्म होता है, एक राम में पहला बाद में दूसरा होता है। और थोड़ा सीखना होता जन्म बताना है कि मैं बताना। अरे बोलो बोलो। इसलिए 85 जन्म हो जाता है ऐसा बोला है। 85 जन्म नहीं हो जाते हैं, 84 जन्म ही होते हैं। जो सन 36 का है वो 84वां जन्म है, अंतिम जन्म है। 40 साल रह जाते हैं, वो पूरा करने के लिए सन 76 तक का टाइम और रुंधा हुआ है ब्रह्मा का, आदि ब्रह्मा का। वो 40 साल ऐड होने पर 100 साल ब्रह्मा के पूरे होते हैं। ब्रह्मा मृत्युलोक में खलास होता है या अमरलोक में खलास होता है? मृत्युलोक में ब्रह्मा खलास होता है। 76 आदि ब्रह्मा का मृत्युलोक खलास हुआ, हद का मृत्युलोक या बेहद का मृत्युलोक? बेहद का मृत्युलोक का क्या मतलब?
वो कभी भी अनिश्चय बुद्धि होने वाला नहीं है जब तक कि नई दुनिया ना आ जाए। और पापा ऐसे वज्रासन में बैठने तो क्या मुस्लिम धर्म का शूटिंग होता है? कौन सा देवता है जो वज्रासन में बैठा हुआ दिखाया जाता है? अरे कोई देवता की पूजा होती है या नहीं होती है? हाँ? अरे हनुमान कैसी मुद्रा में दिखाते हैं? हैं? वीरासन में भी ज्यादा बैठते हैं और वज्रासन में भी बैठते हैं। वज्रांग उनका नाम है। अंग कैसे हैं? वज्र जैसे अंग हैं। अंगों को अगर सुदृढ़ बनाना हो तो रीढ़ की हड्डी सीधी करके और वज्रासन पर बैठना चाहिए। ये आपका वज्रासन नहीं है। दुनिया वाले आंखें डोनेट करते हैं मरने के बाद, ये ठीक है? दुनिया वाले मरने के बाद आंख डोनेट करते हैं। आंख क्या करते हैं? आंख डोनेट करते हैं। हाँ ठीक है क्या? बात तो अच्छी है। आत्माभिमानी की बात है या देहाभिमानी की बात है? हैं? आत्माभिमानी की बात है। मृत्यु के बाद आत्मा तो चली जाती है कि रह जाती है? शरीर तो मिट्टी हो गया, तो जो मिट्टी के अंग हैं अगर किसी और के काम आ जाएं तो अच्छा है या बुरा है? है? जीते जी ऐसा उपक्रम करके गया कि जब मृत्यु आए तो डॉक्टर आकर के आंखें सुरक्षित करके ले जाएं। लेकिन ये तो अच्छा है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कितने लोग हैं इंडिया में जो आंखें दान कर देते हैं जीते जी, मृत्यु के बाद उनकी आंखें निकाली जाती हैं। क्या उन्होंने कभी ये भी देख सुना, कभी ये भी देखा कि भारतवर्ष में किसी अंधे ने बताया कि मुझे आंखें सरकार से मिल गई? किसी ने बताया? किसी ने देखा? कहां जाती हैं ये आंखें? विदेशों में लाखों और करोड़ों की आंखें बिक जाती हैं। तो आंखें देने वाले ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया? हैं? दान देने वाले को पात्र अपात्र देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए? हैं? को पात्र को दान देना है या सुपात्र को दान देना है? हाँ, ये गवर्नमेंट कैसी है? शिष्टाचारी गवर्नमेंट है या भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट? तो किसको दान दिया? भ्रष्टाचारियों को दान देने से दुनिया में भ्रष्टाचार और बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ रहा है। बाबा भारत इस समय पूरा नास्तिक है, लेकिन भारत को भारत माता पर आस्था है प्रैक्टिकल पार्ट के लिए। बोलो बोलो खुल के बोलो। भारत को भारत माता पर आस्था है। भारत को भारत माता पर आस्था है, इसका प्रूफ है कुछ तुम्हारे पास? प्रैक्टिकल पार्ट के लिए। क्या प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आस्था है? क्या प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आस्था है? वो भारत माता आने तो काम सफल होता, नहीं तो नहीं होता है ना। भगवान के ऊपर आस्था नहीं कि भगवान आए तो काम सफल होता है, नहीं तो असफल हो जाता है? अरे अष्ट देवों के ऊपर आस्था नहीं है?
जो पूरे 5000 साल तक सहयोगी बनकर के रहते हैं, उसके ऊपर आस्था है जो एडवांस ज्ञान को समझता ही नहीं। आस्था है नहीं मतलब मैदान छोड़ के भाग खड़े हुए है कैसे माता को कैसे। नहीं नहीं, इनका प्रश्न ये था कि भारत पूरा नास्तिक है, मुरली में आया तो इस समय भारत। इनका इनका क्रास क्वेश्चन ये है कि भारत अगर पूरा नास्तिक होता तो लक्ष्मी का जो पार्टधारी है उसके ऊपर आस्था है या नहीं है, और वो आस्था शिव के मुकाबले ज्यादा आस्था है या कम है, तो एक के ऊपर आस्था है या दो के ऊपर आस्था है। एक के ऊपर आस्था, तो आस्थावान कहा जाएगा या व्यभिचारी कहा जाएगा है? शिव बाबा के शिव के ऊपर आस्था। आप कह रहे हैं कि लक्ष्मी के ऊपर भी आस्था है, पहले कहा था, अब चेंज हो गए, घड़ी घड़ी कन्वर्ट होते रहते। नहीं बाबा, आप कन्फर्मेशन दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं बाबा, ये बोल रहे थे ना कि बाबा जब भी कहते हैं एडवांस वाले वो कहते हैं कि आप को आप आवाहन करो, माना तो आवाहन करो, तो आवाहन करने से इन्होंने समझ लिया उनके ऊपर। इनको कैसे मालूम कि आवाहन करता है कोई या नहीं करता है? अंतर्यामी है क्या आप? है फिर हनुमान से नुकसान होता है या फायदा होता है? है हनुमान से तो नुकसान हो जाता है, और मम्मा एक दो होती है, एक दो होती है दादी और माता, तो हम दादी और माता दादी माँ दोनों होता है, इसका अर्थ क्या है? दादी माने ग्रैंड मदर, माँ माने मदर, जो मदर की सास है वो ग्रैंड मदर है, दादी माँ है। हाँ बाबा, अर्धनारीश्वर शंकर और ब्रह्मा को भी कहते हैं, और शंकर और दूसरा अष्टमणि को भी कहते हैं। दूसरा अष्टमणि कौन है? अष्टदेव। अष्टदेव वो अर्धनारीश्वर में आते हैं? एक सीढ़ी में ऐसा बोला, ऐसा कोई सीढ़ी में नहीं बोला। शंकर और योगिनी माँ, शंकर और योगिनी माँ अर्धनारीश्वर में, ये कोई बात नहीं हुई। ये तो आपकी समझ है, अर्धनारीश्वर वो है जो ब्राह्मण परिवार में माता के रूप में अभी भी परवरिश कर रहा है एडवांस में। माता सहनशीलता की पराकाष्ठा होनी चाहिए, तो वो पराकाष्ठा सहनशीलता की लक्ष्मी में है, योगिनी में है, गंगा में है, यमुना में है या ब्रह्मा में है? तो कंबाइंड का पार्ट अभी किसका है? ब्रह्मा और शंकर का है, राम और कृष्ण का है, बाप दादा का कंबाइंड पार्ट है, शरीर एक है और आत्माएं दो हैं, एक ही शरीर से पालना का भी पार्ट चल रहा है। वो पालना का पार्ट कौन सी आत्मा बजा रही है? ब्रह्मा की सोल बजा रही है, और कड़क पार्ट शंकर की सोल बजाती है। इसलिए एक ही शरीर से अर्धनारीश्वर का पार्ट प्रैक्टिकल में चलता है, इसलिए शास्त्रों में गायन है। बाबा,
अब एक ही शरीर में शिव राम कृष्ण तीन ही आत्मा है, लेकिन ये दो चेड़े क्यों अकर्ता कौन है और कर्ता कौन है? अरे है शिव तो अकर्ता है और बाकी दो आत्मा कर्ता है, तो गायन किसका होगा? अकर्ता का गायन होगा या कर्ता का गायन होगा? कर्ता का गायन है। और सेवाग्राम के दो पत्नियां होता है, ये कौन सी मुरली में आया है? क्या हुआ, गुरुजी से पूछना शुरू कर दिया? आप पूछ लो, बता लो, कन्फर्म कर लो। अरे बताते क्यों नहीं भाई है? कोर्स लिटरेचर के कोर्स में बताया है। हाँ, और कोर्स में बोलता है, कहीं लिटरेचर में है कि दो पत्नियां थी? कोर्स में बोला है, किताब दिखाएंगे? वो तो कलकत्ते में बताया है कि कलकत्ते में जितने जो भी बड़े बड़े आदमी होते हैं उनके एक तो पत्नी होती है परमानेंट, और दूसरी भी रखते हैं, उनको मकान भी बना बना के देते हैं, लेकिन वो पत्नी कही जाएगी या नहीं कही जाएगी? है नहीं कही जाएगी? पत्नी को तो आधा हिस्सा मिलता है, मिलता है या नहीं मिलता है? हाँ। और ये माता का क्वेश्चन है, दुनिया में वो दुनिया का कोर्स में तो पांच की चढ़ाते हैं ना, ये गलत है, ये ठीक है करके पूछ रही है। दुनिया का कोर्ट में पांच ही चढ़ाते हैं ना? हाँ पांच ही। हाँ गलत है या ठीक है करके पूछ रही है। किसी की जान लेना, जन्म और मृत्यु, ये मनुष्य का काम है या विधाता का काम है? है जन्म देना और मृत्यु देना, लाभ हानि जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ऐसे शास्त्रों में कहा है। विधाता के हाथ में क्या क्या है? लाभ। मनुष्य के हाथ में है नहीं लाभ, के हमेशा लाभ ही होता रहे, है नहीं है हानि। मनुष्य किसी मनुष्य के हाथ में हानि नहीं है कि वो हमको हानि पहुंचा देगा, कोई मनुष्य किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता है। पहुंचा सकता है? नहीं, अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। जीवन मरण, जिंदा रहना या मर जाना, ये कोई मनुष्य के हाथ में है क्या? है नहीं, ये भी विधाता के हाथ में। यश और अपयश, ये भी किसी मनुष्य के हाथ में है क्या? नहीं। कितनी भी मेहनत करे, जिंदगी में कोई को कहते हुए सुना होगा कि हमने जिंदगी में इतने उपकार के काम किए, हमको कभी यश मिला ही नहीं, अपयश। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपयश ही अपयश मिलता रहता है, अच्छा काम करेंगे और रिजल्ट में उनको बुराई मिलती है। शिव बाबा का पार्ट कैसा है? हैं? ऐसा ही पार्ट है, अच्छे के लिए करता है और क्या मिलता है? हैं? अपयश मिलता है। दुनिया वालों से मिलता है या अपने बच्चों से भी मिलता है? हैं? अपने
अपने बच्चों से भी मिलता है। जो शिव बाबा के बच्चे बनते हैं वो भी अनिश्चय बुद्धि कब होते हैं? है? अनिश्चय बुद्धि होते हैं कि नहीं होते हैं? किस लिए? कुछ न कुछ शिव बाबा को अपयश है, देने की बात बुद्धि में मन में समा जाती है तो ज्ञान को छोड़ देते हैं, अनिश्चय बुद्धि हो जाती है।